तन मन धन से जुट जाए। इनका जोश देखते ही बनता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक भी नाचते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये इस यात्रा का एक नया कीर्तिमान है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी में जोश है। कार में ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। आज 17वें दिन जो निर्दलीय विधायक है महम के बलराज कुंडू, वो अपनी यात्रा पर जारी है, हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। 17वें दिन आपकी यात्रा जारी है, क्या उद्देश्य है यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य आज मेरे प्रदेश में युवाओं की बदहाली जी। आज जिस प्रकार से युवा जी। मेरा ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर हो गया है, जिसकी वजह से मेरे युवा को आगे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा जी। और उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा जी। और वो आज ऐसी मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रहा है जी। वो अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। हर रोज वो आज सीटी को क्वालिफाइंग को लेकर सड़कों पे है, आज वो पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे है, आज वो कुशल रोजगार निगम में हो रही धांधलेबाजी को लेकर जो ना परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर अगर आप देखें, युवा इस आज हमारे समाज के अंदर युवाओं की जो संख्या है वो मेजोरिटी में यूथ है, वो मेजोरिटी में यूथ है जी। उस यूथ का किस तनाव में जी रहा है, उसकी पीड़ा को आज किसान सड़कों पे बैठा है। मैं नांगल चौधरी से चला था और आज कैथल में पहुंच गया हूँ। आज हर उस पे हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये किसानों के धरने रूप अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कितना बड़ा एक भयंकर दौर, खिलाड़ी सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे, सरपंच सड़कों पे, बुजुर्ग आदमी की पेंशन कटने से परेशान है, आज गरीब आदमी राशन कार्ड कटने से परेशान है। इन बातों को लेकर जनता को जगाने के लिए आज मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही, आज जो है आपसी टिक्का टिप्पणी, एक दूसरे पर लांछन करके अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति है। इस प्रदेश में मुद्दों की राजनीति हो, विधानसभा के अंदर जो ना चर्चा गरीब की, किसान की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी पे, किसान पे, उस चीज को लेकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, वहाँ एक दूसरे पर लांछन लगाने के अलावा किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। इन बातों को लेकर प्रदेश को जगाने के लिए और ये जो पार्टियों के चाटुकार और गुलाम जिनको ये पार्टियां टिकट देकर भेजती हैं, उनको नकार कर किसान गरीब के बेटे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में उसकी भागीदारी हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये जन जागृति यात्रा निकाली। इसकी चिंगारी इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव लेके आएगी आने वाले समय में, आपको देखने को। बलराज कुंडू जो है वो हर मुद्दे पर काफी खुलकर बोलते हैं, तो क्या कभी सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास हुआ है कि चुप कराने का, कुछ भी ऐसा प्रयास? सरकार को मालूम है बलराज कुंडू की आवाज को ना दबाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना और कुछ किया जा सकता है। बलराज कुंडू जो जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लोगों ने जो विश्वास करके दी है, मैं उसको आखिरी सांस तक पूरा करूंगा और निभाऊंगा। तो ये यात्रा कहाँ पर समापन होगी? इस यात्रा का समापन चंडीगढ़ में होगा, चंडीगढ़ में होगा 18 तारीख को पंचकुला में एक रैली करके महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रदेश के यूथ को जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है जी। उसको उठना होगा, उसको जागना होगा और उसको राजनीति में अपनी भागीदारी करनी होगी। उसकी भागीदारी यूथ की पढ़े लिखी भागीदारी होगी तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कैथल पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू, और उनके साथ ही हमारे साथ रैली में हमारे साथ मौजूद है श्वेता खुलकर अभी सामने आती गई हैं। नमस्कार मैम।
नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगी बलराज कुंडू जो जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, कोई विधायक है जो जन को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, मुद्दों के ऊपर उतरे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी बहुत अच्छा है। यदि ये राजनीति भी है तो ये अच्छी राजनीति है, हर एक नेता को ऐसी राजनीति करनी चाहिए। हर मुद्दे पर आप खुलकर बोलती आई हैं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों को लेकर मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने मुद्दे हैं ना जी, जो भी प्रदेश को प्रॉब्लम है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, किसानों की हो, ओपीएस हो, उनके ऊपर तो बोलना ही बनता है। हम चुपचाप सह तो सकते नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो हमें जहाँ दर्द होगा, दुख होगा, हम तो बोलेंगे भाई हमें यहाँ पे दर्द। तो युवाओं को क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में या उन मुद्दों को लेकर? मैं युवाओं को ही कहना चाहती हूँ, आपको जहाँ भी दर्द होता है ना, आपके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो सीट की क्वालिफाई हो, पुलिस की ज्वाइनिंग हो, या बीजेटी का मुद्दा, कुछ भी हो, उसे बोलना सीखो जी। डरना नहीं है, हमें बोलना है। और दूसरा, जो भी नेता हमारे मुद्दे उठाता है, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी से हो, खुल के समर्थन करो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी कुछ भी करोगे ना, जब भी कुछ भी करोगे ना आप, तो आपको टारगेट किया जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी किया जाएगा। तो आप ये देखें, आपके जीवन की सार्थकता किस चीज में है जी, और आपको क्या करना चाहिए, क्या सही को सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, यदि ऐसा है तो बोलना चाहिए जी। जो आपके लिए बोलता है उसके लिए खड़े रहो जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। तो ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू और श्वेता डुल, जो कि जन जागृति यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी संदेश दिया है युवाओं को कि वो भी इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को अच्छे से बढ़ाएं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा।